2019 में कांग्रेस आई को मन धन से समर्थन करें, क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है जो शेर को और बकरी को एक घाट पर पानी पिला सकती है। तालियां। क्यों साहब, गलत तो नहीं कहा मैंने? ये हिंदू मुसलमान को लवाना सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का काम है। वो दूसरी बात, ये जो है राम मंदिर भी वहीं बनेगा, मस्जिद वहीं रहेगी, काम भी वही होंगे, मगर तसल्ली से होंगे, मगर इनके राज में नहीं होगा। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हाँ जी बिल्कुल होगा। सारी कपड़े की मिलों में जंग लगा पड़ा है, वो सब नरेंद्र मोदी की हरकत है। नरेंद्र मोदी वहाँ 3 बार मुख्यमंत्री बना, उसके बाद आज गुजरात में गोधरा पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खराई कपड़े की मिल जो खुली हुई थी, उन्होंने सब जंग लग गया सिर्फ नरेंद्र मोदी के चक्कर में। उन्होंने काफी बातें करे, कोई बात उनको सच नहीं हुआ कि रोजगार देंगे, ये हुआ कोई युवा को कोई परेशानी हुई, सारी कुछ कोई बात इनका निकल गया। तो आप इस रिजल्ट से आपको अच्छा लगता है कि? हाँ, कांग्रेस बहुत बढ़िया है, हमें बहुत खुशी है ये कांग्रेस आई है, हमें बहुत उम्मीद है कि यूपी में भी आएगी, हम यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, देखते हैं अब की अगली बार। कल आप कहाँ से? दुबई जी से बात। हाँ जी, इधर आए थोड़ा सा, आप भी आए किसी करके। हाँ जी, थोड़ा सा इधर आए जी। नहीं ठीक है, राज्यों में तो फेरबदल होना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जी जी जी, जनता भी आजकल पढ़ी लिखी है, समझदार है, उन्होंने सही तरीके से जो भी निर्णय लिया है अच्छा ही लिया है। ये थोड़ी है कि 15 सालों तक आप ही शासन करते रहे, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। आप करेंगे, उन्हें भी थोड़ी सीख मिल गई है, कांग्रेस वालों को भी, तो वो भी इनसे अच्छा ही काम करेंगे तब आगे टिकेंगे। कैसा रिजल्ट लग रहा है आपको? जो हमारा गोटो वही ऐसा है कि कांग्रेस जीत रही है, हमें इस बात की खुशी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे सब खोखले निकले। कश्मीर में 370 धारा हटाएंगे बोला, कुछ भी नहीं किया। अयोध्या मंदिर बनाऊंगा बोला, वो भी उठे नहीं किया। खैर वैसे मंदिर का वायु जो है ये वैसे इसमें राजनीति में नहीं आना चाहिए, है ना? तो जो भी किया मगर वादा पूरा नहीं करा। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, पढ़े लिखे आज के टाइम में MA BA बड़े डिग्रियाँ हासिल करके बच्चे लोग घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, इसने वादे किए थे वो भी पूरा नहीं करा नरेंद्र मोदी ने। तो इसलिए तो आपको क्या लगता है 2019 में जो चुनाव होगा उसमें बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होने चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने, नरेंद्र मोदी की जगह भारतीय जनता पार्टी के नाम बने। आप ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उससे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का वापसी आना अच्छा है या? कांग्रेस का वापसी आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से काम धंधों में फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और जो है इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा जो गरीब लोगों की मेहनत है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा नीचे तबके के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं सरकार से। व्यापारी भी परेशान है, जो बड़े मोदी जैसे लोग हैं क्या नाम नहीं आ रहा, व्यापारी लोग हैं वो परेशान हैं। अब बदलाव होना ज़रूरी है, 2019 में और ज़्यादा ही बहुमत से कांग्रेस आएगी। आप क्या कहेंगे इन 5? देखो, महाभारत में कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसके आधार पर जो भी होता है अच्छा होता है। अभी ये 5 राज्यों में जो वर्डिक्ट दिया है जनता ने, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ सबक सीख के कुछ अच्छा करे, ये उनके लिए एक संदेश है जी। थैंक यू, जो भी आएगा अच्छा आएगा। सरकार बदलनी चाहिए 2019 में आपको लगता है? मोदी का काम तो अच्छा है जी। तो फिर ऐसा रिजल्ट जो आया है वो नहीं, वो राज्यों का था जी। वो राज्यों का था, वो मुख्यमंत्री के वजह से लोगों में नाराजगी थी, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ में, वसुंधरा राजे में राजस्थान में उसके खिलाफ में थी, तो वो वहाँ की लोकल पब्लिक, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनसे परेशान थी, उनके कामों से नाखुश थी, इसलिए। हाँ, लोकल ये तो स्टेट लेवल का इम्पेक्ट था, नेशनल लेवल में कुछ अलग बात नजर आएगी। नेशनल लेवल में कुछ मोदी का जो इम्पैक्ट है वो रहेगा। जी। हाँ। आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें हाँ। सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए थी, ठीक हुआ 5 राज्यों में, लेकिन सेंटर में मोदी का इम्पैक्ट रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जीत गया, बहुत बढ़िया हुआ, और हमारे हम ठेला रिक्शा चलाते हैं और हमारी मजदूरी भी बढ़ जाएगी, और ये जो हमारा ये है जो यहाँ पे जो ठेला लगता है ना, ठेला जो लगता है वहाँ हमारा कुछ सुधार करे, ठेला लगना चाहिए हमारा, इससे हमारी को बहुत परेशानी हो रही है। ये जो कांग्रेस सरकार आने वाली है इसमें सबको ही बेनिफिट होएगा, ठीक है। ये जो मोदी सरकार थी इसने लूट खसोट मचा रखी थी और सब बेरोजगार हो रहे थे उससे। 2019 में कांग्रेस आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आएगी, आएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल।
हम ठेला रिक्शा चला के अपना मजदूरी से पेट भरते हैं। अब बताइए साहब, अगर ये पटरी लगती थी 10-5 रुपए की रोटी खा के हम अपना गुजर कर लेते थे, अब ये पटरी वाले परेशान, हम परेशान, तो रिक्शे वाले परेशान। कहीं वहाँ जहाँ पे पटरी लगती थी वहाँ इन्होंने गैरेज बना दिए, हम क्या करें गरीब आदमी, हम रोटी कहाँ से खाएं, चोरी करें छीने चपटी क्या करें साहब। मैं तो आपसे यही कहूँगा साहब, जो कांग्रेस का दम था वो इनका दम नहीं है साहब, ये तो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाने वाले आदमी हैं। हम अगर बंद करना तो हमको करिए आप, शांति प्रसाद सक्सेना हमारा नाम है, हम डबारे आ रही थी मेरठ के रहने वाले हम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।